नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा और मैं आपके साथ अंजु गुप्ता। यमुना अथॉरिटी एरिया में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित फिल्म सिटी के बीच देश की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। लखनऊ में हुई बैठक के बाद शासन ने इसकी मंजूरी दे दी है। 14 जून को अथॉरिटी में इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग होगी, उसके बाद ग्लोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 631 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। संचालन करने वाली कंपनी का 35 साल का अनुभव होगा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही ये ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 16.6 किलोमीटर लंबा इसका रूट होगा। इस पर 12 स्टेशन बनेंगे। एयरपोर्ट समेत फिल्म सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, सेक्टर 29, सेक्टर 32, 33, एमएसएमई पार्क, टॉप पार्क के साथ अन्य जगहों को ये कनेक्ट करेगी। पॉड टैक्सी के 112 कोच होंगे। एक पॉड में 6 से 24 यात्री सफर कर सकेंगे। यहाँ चलने वाली पॉड टैक्सी ड्राइवरलेस होगी। सीईओ ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के एरिया में पहले से बन चुके 60, 75 और 100 मीटर रोड के बीच से ये पॉड टैक्सी चलेगी। लंदन के हीथरो एयरपोर्ट की तरह दुनिया के 4 देशों में ही एयरपोर्ट पर विमान यात्रियों के लिए पॉड टैक्सी की सुविधा मौजूद है। वैसे ही सुविधा नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने वाले यात्रियों को मिलेगी। लंदन के अलावा दुबई, दक्षिण कोरिया और वर्जीनिया में एयरपोर्ट पर ये सुविधा मौजूद है। आइए जानते हैं कि इसका किराया कितना होगा। पॉड टैक्सी सर्विस शुरू होने के बाद इसका किराया 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टैक्सी चलेगी। भविष्य में यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्पीड कम ज्यादा भी की जाएगी। सेफ्टी के तमाम उपकरण इसमें मौजूद रहेंगे। कितने लोग इसमें हर दिन यात्रा कर सकेंगे, आइए आपको बताते हैं। जेवर एयरपोर्ट को फिल्म सिटी से कनेक्ट करेगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार हर दिन लगभग 37,000 लोग पॉड टैक्सियों के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। शीशे के केबिन के बाहर का नजारा भी आराम से यात्री देख सकेंगे। बीच में कई जगह सेल्फी पॉइंट भी दिए जाएंगे। पॉड टैक्सी का रूट सेक्टरों के बीच से है। यहाँ बन रहे हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले ईडा ने जिन देशों में पॉड टैक्सी चल रही है वहां स्टडी की, इसके फायदे और नुकसान के बारे में पता किया, उसके बाद ही रिपोर्ट शासन को भेजी गई। दुनिया भर के 18 देशों में पॉड टैक्सी शुरू की गई थी, लेकिन वर्तमान में 8 देशों में चल रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने 2011 से 12 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लंदन की पॉड टैक्सी सर्विस मुनाफे में चल रही है, जबकि अबू धाबी में ये प्रोजेक्ट घाटे में चल रहा है। क्या है पॉड टैक्सी, ये भी जान लेते हैं। पॉड टैक्सी उन इलाकों के लिए यातायात का सबसे सही साधन है जहां काफी भीड़भाड़ हो और जमीन पर ट्रैफिक के लिए साधन बनाने की जगह ना हो। यूरोपीय देशों का ये एक पसंदीदा साधन है। एक पॉड टैक्सी में 4 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत भी नहीं होती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस टैक्सी को सोलर एनर्जी से भी चलाया जा सकता है। इन्हें जमीन से ज्यादा 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर ही चलाया जाता है। ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।